अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बॉडी डा सिलेवल में आपका दोस्त वसीमान फ्रॉम गोजा वाला। उम्मीद करता मेरे तो आनंद खैर ऑफिस होगा, जो उनका शौक हो चल रहा होगा। और व्यूवर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, मेरे बड़े प्यारे भाई फहद भाई, ये वीडियो भी आपकी नज़र व्यूवर्स, ये सबसे जो है ना, जब से मैंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया हुआ है, ये मेरे भाई जो है ना मुझसे लिंक है, मेरी हर वीडियो देखते हैं, मेरी हर वीडियो के नीचे अच्छा कमेंट करते हैं। और ये फहद भाई हैं, ये मेरे से इतने इतने जो है ना प्यारे और इतने अच्छे जो है ना मेरे से सवाल करते हैं, मुझे इनके जवाब देने का भी बड़ा मज़ा आता है, और इनकी बातें सुनने का भी मज़ा आता है, और इनको सुनाने का भी मज़ा आता है, समझाने का मज़ा आता है। तो लास्ट टाइम इन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि मुर्गी अच्छी हो या मुर्गा अच्छा हो तो बच्चे क्यों नहीं जो है ना अच्छे बनते, तो इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली बात पर। ये भी वीडियो आपकी नज़र, और कुछ वैसे भी ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं मेरे, मुझसे बड़ा सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना किलकार नहीं निकलते, खुले कांटों की गेम के मुताबिक ये वीडियो है। जितने भी मेरे देखने वाले भाई अगर खुले कांटे के प्रमोटर हैं, इंशाल्लाह उनको जो है ना इस वीडियो से बड़ा मजा आएगा। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन से पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज इम्बॉडीड असील लवर्स और इम्बॉडीड असील लवर्स इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंशन है, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चीज़ें मैं यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर नहीं दिखा सकता, पिंदों का शौक पकड़ने के रास्ता, इंशाल्लाह आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट इम्पोर्टेड रसी लेवल्स में और फेसबुक अकाउंट इम्पोर्टेड रसी लेवल्स में इंशाल्लाह कवाया करूँगा। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। फहद भाई, सबसे पहले आपका सवाल ये था कि आपके पास मुर्गी बड़ी आला है, तो जो है ना मुर्गा आपको, आपके पास अगर आला ही मुर्गा है तो आप उसके बच्चे लेते हैं, तो बच्चे समटाइम क्यों नहीं अच्छे निकलते? आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मुर्गी बड़ी तेज़ तराज वाला ख़ानदान की है, गर्म ब्लड की है। अगर आप उसके ऑपोजिट, उसके मुखालिफ भी मुर्गा वही लगा देते हैं उसी ब्लड का और वही उसके निज़ाम है, तो बच्चे कभी भी नहीं ठीक निकलेंगे। उसकी वजह, मुर्गा भी गर्म, मुर्गी भी गर्म, तो बच्चे अजीब ही निकलेंगे। अगर आपने उनमें बर्दाश्त लेनी है, उनमें स्पीड लेनी है, किलकारियाँ लेनी है, मुर्गे अच्छे खासे किल मार रहे हो, तो मेरा भाई आप ये देखें कि मुर्गी आपके पास अगर तेज़ तराज है ना, अच्छे ख़ानदान की, आला ख़ानदान की तेज़ तराज शूटर मुर्गा, आला ख़ानदान का ढूंढ लें, चलाकी उसमें ना हो, मुर्गी में सारा कुछ हो। बात को समझे, मुर्गी में सारा कुछ हो, मुर्गा चाहे असील होना चाहिए, बस मजबूत और असील हो, कुछ भी ना करे, वो मुर्गा पकड़ के अपनी मुर्गी के साथ लगाए, बच्चे इंशाल्लाह ग्रंटेड फाइटर निकलेंगे। क्यों? लड़ाई ननिहाल से ले लेंगे, बाप से मजबूतियां ले जाएंगे। ये जो मादी है ना, ये इस हाथ को आप मादी समझें, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें वगैरह नहीं है, वो तस्वीरें वगैरह कुछ होती हैं वो हाथ में पकड़े हुए जानवर, तो यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से मैंने आपको जो है ना फोटो शो करवाता, क्योंकि अक्सर हम भी, हमारा भी शौक होता है परिंदा हाथ में पकड़े पिक्चर्स वगैरह बने, यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, इस वजह से मैं फहद भाई मादियाँ नहीं शो करवा रहा। मैं कुछ मादियाँ ऐसी हैं जो मैं शो करवाता हूँ, लेकिन तस्वीरें जो है ना उस तरीके की नहीं आती जिस तरीके के हम चाह रहे होते हैं। तो माती आपने, बात हम अपनी बात की तरफ आते हैं, माती आपने तेज ब्लड की लगाई तो मुर्गा आपने स्लो ब्लड का लगा लें, इनका दाव बैठ जाएगा। इसी तरह वही अमल, मुर्गा बड़ा आपका तेज तराज है, तो माती आप कोशिश करें उस ब्लड की लगाएं जो जिसमें जो है ना जो अग्रेसिव माती बड़ी ज़्यादा है वो ना लगाएं। मुर्गा अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बड़े तरते खून ना मा लगे, तो माती ज़रा ठंडे ब्लड दिलाओ, लाओ सील, इनका ताप बैठ जाएगा। अब हम आते हैं लड़ाई की तरफ। अगर आपके मुर्गे में पाँव मारने की इसलिए ज़्यादा है, पाँव बड़े टाटे मारता है, असर वाले मारता है, तो फहद भाई तो आप उसके साथ जो है ना मुर्गी, किलकार मुर्गी लगाएं जिसके पाँव अजदाद की लड़ी टकावे किल मार दिए हुए, वो मुर्गी तुम उसको करना लाओ, बच्चे अच्छे बहेंगे। क्यों? बाप की तरफ उन्होंने असर मिल गया, माँ की तरफ उन्होंने लड़ाई मिल गई, किला थी, केले भी मारन गए तो असर वाले में केले भी बजन गए, तो केले भी असर वाले बजन गए, तो पैर भी जितने आएगा नाल केले भी, तो नाल असर भी, मुर्गे नहीं चलेंगे आपके जानवरों के आगे। ये तरीकाकार होता है बच्चे अच्छे बच्चे बनाने का, याद रखिए कानून वही है, कुदरत का कानून का। अगर जो है ना मुर्गा आपका बड़ा तेज तराज शूटर टाइम है, तो माती थोड़ी सी ठंडे ब्लड की लगाए, मुर्गा बड़ा मजबूत है, बड़ा अलग कुछ भी नहीं करता, ठीक है, अला ख़ानदान क्या है, तो मादी अगर आपके पास तेज तराज शूटर टाइम आती है, तत्ते ब्लड
जोड़ा लगा दें तो बैठ जाएगा, बच्चे अच्छे बन जाएंगे। ये वीडियो जस्ट और जस्ट जो मुर्गे लोग लड़ाते हैं ना खुले कांटों में, जिनमें दो टोक फैसला होना होता है, दोनों तलवारें नंगी पकड़ा दी जाती हैं, अल्लाह भी तू मैनू मार दे मैं तेनू मारना, जिन्हें पहला मार लिया तो मर गया, ये इस तरीके की गेम की होती है खुले कांटे। हम तो यही कहते हैं कि नंगियां तलवार, जैसे कि यहाँ पे मुझे अदनान अशा जी की बात याद आ गई, वो ये कहा करते हैं कि अशा जी असं तो नंगियां तलवारा फड़ा छड़ने कुकड़ा के हाथ च लिया भी, आ जा भी सामने तू मार लिया तू जित गया, जे मैं मार लिया तो मैं जित गया, मतलब कि उन शौक वो भी खुले कांटों का शौक करते हैं। और मैंने जितनी भी इनकी मैं फिर उनकी बात करता हूँ, मैंने बात भाई जितनी भी इनकी मुर्गियाँ देखी हैं मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनल तस्वीरें सेंड करूँगा, लेकिन इजाज़त अपने अदनान शाह जी की ले के, क्योंकि भैया हमारे तो शौक आके जो है ना डाइवर्ट करना हो तकसीम करना हो ना बांटना हो तो फिर हमें जो है ना जनरल जो ऑनर है उनकी इजाज़त ज़रूर लेना चाहिए। ये एक हमें तो ये तरबियत मिली है कि एवं नहीं किसी के जान में किसी को शो ऑफ करवा देना चाहिए, तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी इंशाल्लाह वो मातियाँ देख के। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं आपको उनसे पूछ के तो मातियों का शौक वगैरह करवाऊँगा इंशाल्लाह, और आपको मज़ा आएगा मातियों का, वो मातियाँ देखिएगा कि बात भाई आपको जो है ना मैं कहता हूँ वैसी मातियाँ आपने जो है ना बहुत ही कम देखी होंगी, इतनी इतनी एज की मातियाँ पट्टियाँ लगेगी, ये मेरा जाती तजर्बा मैंने देखी हुई है। और मैं तो देखते सारे कह रहे थे पुरानी मूर्तें संभाली हुई हैं आपने, तो बड़ा मुस्कुराए भी थे। तो ये एक महोत्या जो ना बच्चे लेने का प्रोसीजर, इस तरीके से बच्चे ले जाते हैं और इस तरीके से बच्चे अच्छे बनते हैं। और मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसपे तमाम व्यूवर्स को और फात भैया आपको स्पेशली एक दो भाई और हैं जैसे कि कुरेशी भाई, कुरेशी मूवीज ऑफिशियल वाले भाई, ये वीडियो आप भी मेथड अपने आप मुर्गों के ऊपर मुर्गियों के ऊपर अप्लाई करते तो आपको बड़े फ़ायदे इंशाल्लाह इस वीडियो से मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।